इन्वेस्टिगेट करके हम ब्रेन का वो हिस्सा खोज लें। बट कुछ ऐसे अनलकी रोगी होते हैं जिसमें के मस्तिष्क का एक भाग नहीं, कई स्थानों से मिर्गी बनती है। अब हम कई जगह पे ऑपरेशन तो नहीं कर सकते, ब्रेन वैसे ही इतना सेंसिटिव ऑर्गन होता है, तो ऐसे में ब्रेन के अंदर कुछ तार डाले जा सकते हैं जिसको डीप ब्रेन स्टिमुलेशन बोला जाता है। आपने सुना होगा हार्ट का पेसमेकर, इसी प्रकार से ब्रेन का पेसमेकर पार्किंसन में तो चलता ही था, लेकिन अब वो ब्रेन में एपिलेप्सी के लिए भी पेसमेकर आ गया जिससे हम एपिलेप्सी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा वेगस नर्व स्टिमुलेशन, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि ये पेसमेकर ही होता है, बट ये ब्रेन के अंदर नहीं जाता, इसको बाहर से ही वेगस नाम की एक तंत्रिका होती है जिसके चारों तरफ उस तार को लपेट कर हम इन दौरों को काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। बट आप उस गांव के बारे में पूछेंगे ही नहीं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं, तो रास्ता तो उसी गांव का पूछेंगे ना जिसका आपको नाम पता है। तो जब रोगियों को यही नहीं पता होगा कि ऑपरेशन संभव है, क्या क्या इलाज नए आ गए हैं, तब तक वो इसके बारे में ढूंढेंगे ही नहीं। हमारे पास ऐसे मरीज़ हैं जो 3 दिन की उम्र से 14 साल की उम्र तक रोज़ाना 20-25 दौरे पड़ते थे। जैसे या एपिलेप्सी है, सिम्टोमेटिक से उसमें कहते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर आपको आपके ग्लूकोज की कमी हो गई या सोडियम की कमी हो गई उसके कारण दौड़े पड़े, तो उसके लिए इलाज बहुत छोटे टाइम में लगभग एक से दो महीने बंद हो जाता है। बट अगर किसी पेशेंट को एपिलेप्सी है, वो भी डिपेंड करता है कौन सा एपिलेप्सी है, अगर ड्रग रिस्पॉन्सिव एपिलेप्सी है तो यूजली 2-3 ईयर्स मिनिमम चलता है, और किसी किसी को अगर ड्रग रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी है तो उसको तो लंबा चलता रहता है। और जहाँ तक बात रहा खाने का, तो खाने का उसके साथ ही काफ़ी सारे मिथ्स आते हैं कि मीठा खाओ ये खाओ, बट खाने से ऐसा कुछ नहीं होता। बट अगर किसी को ड्रग रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी है तो दवाइयों के साथ एक कीटोजेनिक डाइट का रूल होता है, वो बेसिकली हाई फैट एंड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट होती है, बट वो दवाइयों के साथ देनी होती है, खाली डाइट का कोई रोल नहीं होता। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो डिपेंड करती है कौन सी एपिलेप्सी है। अगर आपकी जनरलाइज्ड एपिलेप्सी है तो यूजुअली 3 ईयर्स तक देते हैं, अगर आपको सिम्टोमेटिक सीजर्स है तो काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 1-2 महीने के लिए देते हैं, फिर ईजी करके देख के फिर बंद कर सकते हैं। लोग तो उसका खास ख्याल रखते हैं, मान लीजिए रोग उस स्थान से उग रहा है जहाँ पे हमारा लैंग्वेज का एरिया है या हमारे सोचने समझने की शक्ति वाला एरिया है, तो हम उसमें इस प्रकार के ऑपरेशन नहीं करते। एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसे हम स्टीरियो ईजी बोलते हैं, बहुत एक्सपेंसिव टेक्निक है, लेकिन हम उससे एग्जैक्टली छोटे छोटे इंच के तरीके से ये डिसाइड कर लेते हैं कि इस हिस्से को हम नहीं छेड़ेंगे और इस हिस्से को हम निकाल देंगे। आज इसको बोला जा सकता है किसे किसी बीमारी को नहीं है, यही तो हम बता रहे हैं कि 80% लोगों में पूरी तरीके से इलाज संभव है, में ऑपरेशन के बारे में काम करना पड़ता है, और मुश्किल से 1-2% ऐसे मरीज होंगे जिनको हम एक्चुअली लाइलाज बोल सकते हैं। जेनेटिक होता है कुछ होता है, बट ज़्यादातर केसेस में जेनेटिक नहीं होता। मैंने बताया कीटो डाइट का दवाइयों के साथ रूल है, अलग से डाइट का अलग से कोई रूल नहीं है। बहुत सारे मिथ ये भी होते हैं कि मैं डाइट स्टार्ट करता हूँ उसको देखता हूँ उसे, बट अगर आपकी दवाइयों के साथ कंट्रोल ना हो पाए, और वो भी सारी एपिलेप्सी में नहीं है, स्पेशली मायोक्लोनिक एपिलेप्सी होती है, एलजीएस लिनोक्स गैस्ट्रो सिंड्रोम होते हैं, ड्रेवर सिंड्रोम होते हैं, उसमें वो सी है जो बहुत डिफिकल्ट टू कंट्रोल है, सारी एपिलेप्सी में उसका रूल होता भी नहीं है। टाइप की एपिलेप्सीज है जो जेनेटिक ही होती है, हेरिडिटरी ही होती है, उसमें होने के चांसेस नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा है, बट ये आवश्यकता ही नहीं है कि मदर को है एपिलेप्सी तो बच्चे को होगी ही होगी। उसको जेनेटिक जनरलाइज एपिलेप्सी कहते हैं, जिसमें कि सर ने बताया जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी जो कि मोस्ट कॉमन है, फीमेल में देखी जाती है ज़्यादातर, वो हो सकती है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मदर में हो वो। हाँ जी, एपिलेप्सी होने का एक कारण ऐसा डॉक्टर साहब ने बताया, सिम्टोमेटिक एपिलेप्सी और नॉन सिम्टोमेटिक एपिलेप्सी। सिम्टोमेटिक मतलब मिर्गी होने का कोई कारण, सोडियम कम हो गया, ग्लूकोज कम हो गया, सर में चोट लग गई, स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक का घाव बना रह गया, दिमाग में किसी ने गोली मार दी, गोली रह गई, या कोई ब्लीडिंग हो गई थी उसकी वजह से दौरा पड़ गया। इसी प्रकार से जो पत्ता गोभी वाला कीड़ा जिसे बोलते हैं फीता कृमिया, आपने पढ़ा होगा, उसके अंडे कभी कभी पेट में चले जाते हैं और उनका लार्वा माइग्रेट करके मस्तिष्क में जाके अपना स्थान बना लेता है। मेरा नाम डॉक्टर सुमित सिंह है, मैं आर्टेमिस हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी का विभाग अध्यक्ष हूँ। मैं बस और क्या सर, आज जो कि मिर्गी एक बहुत जो कि दैनिक बना हुआ है एक रोग है, तो उस पर आज जो कि चर्चा हुआ है, तो हम आपके द्वारा जानकारी हासिल करना चाहेंगे कि क्या मिर्गी क्या है, पहले बीमारी
मिर्गी एक तरीके से समझ लीजिए मस्तिष्क का शॉर्ट सर्किट है। मिर्गी में मस्तिष्क के अंदर बहुत ज़्यादा बिजली बनने लगती है और इस बिजली की वजह से मरीज को बाहरी रूप के कुछ लक्षण आने शुरू होते हैं, जैसे कि उसके बॉडी में मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, हाथ पैर अकड़ सकते हैं, गिर सकता है, चोट लग सकती है, कभी कभी हल्के दौरे पड़ते हैं जिसमें मरीज़ कुछ समय के लिए गुम हो जाता है, समझ नहीं पाता कि मैं कहाँ हूँ, अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है। ये होते हैं मुख्य मिर्गी के लक्षण। क्या सर लक्षण होता है मिर्गी जो होता है स्टार्टिंग पीरियड में, क्या उनका लक्षण? जैसा मैंने बताया दो प्रकार की मिर्गियाँ होती हैं, एक वो जिसमें पूरा बॉडी झटकता है जिसे हम जनरलाइज्ड सीजर्स बोलते हैं, और कभी कभी मरीज जैसे बताया कि मुंह चलाने लगेगा या हाथ पैर मलने लगेगा या अब नॉर्मल बात करने लगेगा, बिहेव करने लगेगा, चीखने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, उनको हम कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स बोलते हैं। सर मिर्गी के दौरा के आने के दौरान क्या हमें करना चाहिए? इस टाइम पे बेस्ट रहेगा कि मरीज़ को एक साइड में टर्न कर दें, उसके दौरे को रोकने की कोशिश ना करें, क्योंकि जैसे ही आप रोकने की कोशिश करेंगे उस वक्त मरीज़ के रोग इतनी ताकत होती है उसके बॉडी में कि उसकी हड्डी तक टूट सकती है। जब दौरा उसका ख़त्म हो जाए तो पास के किसी अस्पताल में उसे तुरंत पहुँचाने की कोशिश करें। इसी प्रकार से आप मरीज़ की सहायता कर सकते हैं जब दौरा पड़ता है तब। सर ये बीमारी जो है ये हम इलाज कितना टाइम इसका होता है, कितना टाइमिंग होता है इलाज के ठीक होने के संभव? तो कुछ रोगियों में तो हम इसको 3 महीने से 6 महीने में ही दवाइयाँ बंद कर सकते हैं, कुछ में ये ट्रीटमेंट 3 से 4 साल चलता है और कुछ में लाइफ लॉन्ग चलता है। कई प्रकार की एपिलेप्सी होती है, तो जब तक हम एक पर्टिकुलर रोगी के विषय में ये जानकारी ना प्राप्त कर लें कि उसको कौन से प्रकार की एपिलेप्सी है, तब तक ये बताना असंभव है कि उसको ट्रीटमेंट कब तक चलेगा। बट ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग लेना ज़रूरी है, और ऐसा भी नहीं है कि 15 दिन 1 महीना लेके बंद कर देना चाहिए। आपको आपका डॉक्टर ही बताएगा कि आपको दवाई कब बंद करनी है। ये जो बीमारी सर होता है मिर्गी का वो कहाँ से को स्टार्टिंग होता है, किस वजह के से ये बीमारी उत्पन्न होती है? दो प्रकार के कारण होते हैं, एक सिम्टोमेटिक एपिलेप्सी, जैसे आपके शरीर में किन्हीं कारणों से सोडियम कम हो गया या आपके शरीर में किन्हीं कारणों से शुगर कम हो गई, ब्रेन में ट्यूमर हो गया, इन्फेक्शन हो गया, क्लॉट बन गया, उसको सिम्टोमेटिक एपिलेप्सी बोलते हैं। कभी कभी मस्तिष्क के तारों में एक प्रकार की उलझन समझ लीजिए या बिजली का प्रवाह ज़्यादा हो जाता है जिसको जेनेटिक बोलते हैं, वो इडियोपैथिक एपिलेप्सी होती है। तो ये दो मुख्य कारण। तो फीताक्रमी एक ऐसा कीड़ा होता है, ये आमतौर पर जो गंदी इरिगेशन का पानी होता है उससे ये पत्ता गोभी के अंदर प्रवेश कर जाता है और उसका कीड़ा दिमाग में जा सकता है, इसको न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पत्ता गोभी खानी बंद कर दें, इसका मतलब सिर्फ ये है कि पत्ता गोभी को बहुत अच्छे तरीके से साफ करें और उसको ढंग से कुक करें, क्योंकि कुक करते के साथ ही ये चीज़ पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। नूडल्स में अक्सर कच्ची पत्ता गोभी डल जाती है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम रहती है। तो कोई भी ऐसा कच्चा सलाद बिना ढंग से साफ किए ना सेवन करें, उसका तो ठीक रहेगा। सर जो कि पेशेंट है, मिर्गी पेशेंट है और जो कि उनके गार्जियन है, उनको क्या मैसेज आपके द्वारा जाएगा? मेरा मैसेज तो यह है, पहली चीज़ तो डॉक्टर्स को ज़रूर दिखाएं, अपने आप दवाई कम ना करें, अपने आप दवाई बंद ना करें, टाइम से सोना बहुत आवश्यक है, स्क्रीन टाइम को बहुत ज़्यादा तक ना बढ़ाएं, और यदि आपकी दौरे दवाइयों से कंट्रोल पूरी तरीके से नहीं हो पा रहे हैं तो एक एडवांस्ड एपिलेप्सी सेंटर में जाकर डॉक्टरों की सहायता अवश्य लें। सर एक मेरा लास्ट सवाल है कि सर लोग जब मिर्गी का दौरा आता है तो लोगों का देखा जाता है कि चमड़े का यूज करते हैं कि चमड़े के जूते या कुछ सुंघाने के बाद उससे मिर्गी का दौरा कम हो जाता है, क्या ये डाउट? बिल्कुल गलत धारणा है, ऐसा कदापि ना करें, इसमें जूते का कोई लेना देना नहीं है। आप जूता नहीं भी सुंघाएंगे तो भी 2-3 मिनट में मरीज अपने आप उसका दौरा रुक जाएगा। मैं डॉक्टर विवेक करुण हूँ, मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट एंड एपिलेप्टोलॉजिस्ट हूँ। सो आज इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे के ओकेजन पे एक अवेयरनेस कैंप था जिसमें हम लोगों ने सारे मिथ्स और जो भी इम्पोर्टेंट एपिलेप्सी के लिए जरूरत है उसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो बेसिक पर्पस ये है कि जो एपिलेप्सी के साथ जो मिथ है, स्टिग्मा है, जो एपिलेप्सी के मरीज होते हैं स्टिग्मा से ज़्यादा परेशान होते हैं, उसके बीमारी से कम परेशान होते हैं। तो हमारा पर्पस यही है कि जो भी मिथ है, स्टिग्मा है, उनके साथ अटैच है, उसको हम दूर कर सकें। सर आज हुई जो कि मिर्गी के बारे में आज जो कि चर्चा हुई इस पे बैठक में, सर मिर्गी जो जानते हैं हर आदमी जो मिर्गी से जो कि नाम सुन के घबरा जाता है कि बहुत बड़ा बीमारी है, तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मिर्गी बीमारी का क्या सिम्टम है, क्या उनका लक्षण है?
हाँ, सो मिर्गी कई प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं जनरलाइज एपिलेप्सी कहते हैं, जिसमें कि ब्रेन के दोनों तरफ से तरंगे उठती हैं और बॉडी अकड़ जाती है, अकड़ के कांप भी सकती है। और एक फोकल एपिलेप्सी हो सकती है, जिसमें कि ब्रेन के एक स्पेसिफिक पार्ट से उठ के दौरे के करंट आते हैं, और इसमें पेशेंट को क्या खाली एक हाथ में झटके लग सकते हैं, एक हाथ में झटके लगने के बाद पूरे शरीर में झटके लग सकते हैं, और पेशेंट जस्ट एक गुम हो सकता है एपिलेप्सी के दौरान, गुम हो गया, बात ना समझे, और गफलत की स्थिति हो सकती है। क्या इलाज है अगर किसी को अगर मिर्गी का दौरा आता है तो हम फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या है? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट एड, क्योंकि मिर्गी का दौरा जनरली घर पे आता है या बाहर आता है, स्कूल में आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। जब भी किसी को एपिलेप्टिक अटैक आए तो सबसे पहले आप पैनिक ना हो, पेशेंट को सुला दें, और अगर हो सके तो लेफ्ट साइड कन्वर्ट कर दें, और मुंह के अंदर कुछ भी, कोई भी चम्मच या कुछ भी डालने की जरूरत, पानी डालने की जरूरत नहीं है। कभी भी उसके जो झटके हैं उसको ना रोके और एक साइड टर्न कर दें। अगर एक से दो मिनट से ज़्यादा चल रहा है और पेशेंट नॉन एपिलेप्टिक पेशेंट है तो उनके पास एक स्प्रे हो सकता है, आप बॉडी वेट के हिसाब से नाक के अंदर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि मिर्गी के अटैक तुरंत ख़त्म हो जाए। सो कई सारे मिर्गी ऐसे होते हैं जिसमें, जिसको आप स्टार्टिंग लक्षण की बात करें तो ऑरा कहते हैं उसको। बहुत तरीके के ऑरा होते हैं, किसी को पेट में दर्द होना, किसी को घबराहट होना, किसी को उल्टी करने का मन होना, किसी को कुछ दिखाई देने लगना, ये तो एक अच्छा सिम्टम होता है जिसको ऑरा आते हैं। जब भी पेशेंट को ऑरा हो तो एक पेशेंट को आप एक या तो आप उसको दवाई दे सकते हैं उस समय, या स्प्रे कर सकते हैं, और उसके बाद अगर कन्वर्जन होने लगे जिसमें कि बॉडी झटके लगने लगे तो जैसा मैंने बताया आप स्प्रे कर सकते हैं नाक के अंदर बॉडी वेट के हिसाब। मैं डॉक्टर अर्चना शर्मा हूं और मैं यहां पे एसोसिएट कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी के पोस्ट पर कार्यरत हूं पिछले एक साल से। तो आज हम इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे मना रहे हैं, जो कि हर साल 12 फरवरी को मनाया जाता है, और इस बार जो एपिलेप्सी डे है, यानी कि जो मिर्गी दिवस है, विश्व मिर्गी दिवस, इसकी जो थीम है वो है माइलस्टोन्स इन माई लाइफ ऑफ जर्नी। तो इसका मतलब ये है कि आज जो एपिलेप्सी है इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। जैसा कि अभी पूरी कॉन्फ्रेंस में यही बताया गया है कि जो मिर्गी का एक रोग होता है उसके बहुत सारे कारण होते हैं, तो कोई भी, अगर कोई भी आपकी नियर है, डियर वंस, किसी को भी एपिलेप्सी है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि मिर्गी के लक्षण क्या होते हैं, मिर्गी किसको हो सकती है, इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है, और लास्ट इसका ट्रीटमेंट यानी कि इसका इलाज किस तरह किया जाता है। तो मिर्गी, जब एक पब्लिक अवेयरनेस की बात की जाए तो कुछ चीज़ें होती हैं, जब भी किसी को मिर्गी के दौरे आए या कुछ भी आए तो उसमें किया क्या जाता है। तो सबसे पहले जब भी किसी मरीज़ को आपके पास में मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, सबसे पहले उसकी डूज एंड डोंट्स करें, उसको कर जो भी उसकी क्लोथिंग है उसको थोड़ा सा लूज कर दें, करवट देके उसको शांति से लिटा दें, जूता, सॉक्स, प्याज, मोजा कुछ नहीं सुंघाना है, और उसके कुछ SOS स्प्रेज होते हैं जो कि उनकी नाक में डाल दीजिए। दूसरी, जब बात करते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, तो मिर्गी के बहुत सारे कारण होते हैं, तो उसका जो डायग्नोसिस है उसका मुख्य तीन तरीके से किया जाता है। सबसे पहले अच्छी हिस्ट्री लेना कि किस तरीके से आपको दौरे आते हैं, वो पूरा आपको विवरण देना होता है। दूसरा जो होता है उसमें EEG होता है, जिसमें ब्रेन की यानी कि मस्तिष्क की आपकी जो तरंगें होती हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है।